बात करें एक नए कंसेप्ट के साथ, खुद भी टेस्ट के साथ जुग जुग जिया मोर ललनवा, जो कि बड़ा एकदम आत्मे तो एकदम दिल को छू जाने वाला टाइटल पर काम हो रहा है, जिसका शूटिंग मुहूर्त किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी मीडिया वालों का स्वागत है। जहाँ तक जुग जुग जिए हो जलनवा की कहानी है, ये हम लोगों ने बहुत दिनों से पूरी टीम बैठकर इसके ऊपर आत्मचिंतन किया है, और हम लोगों को लगा कि हमारे बीच एक ऐसी कहानी आनी चाहिए जहाँ इमोशंस ही इमोशंस भरे हों, और एक ऐसा इमोशंस जो भोजपुरी ऑडियंस को लगे कि उनका अपना इमोशंस है, उनकी अपनी कहानी है, उनके बीच की कहानी है। और हमारे राइटर साहब से जब हमारी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने भी अपनी तरफ से काफ़ी सहयोग दिया, और हम लोगों ने सब ने आत्मचिंतन करने के बाद ये निर्णय लिया कि इसका टाइटल जुग जुग जिए हो ललनवा रखा जाए, क्योंकि ये उस इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ है। और जब फिल्म बनकर सामने आएगी तो आप लोगों को लगेगा कि ये सचमुच बेहतरीन और शानदार एक इमोशनल कहानी बनकर आप लोगों के सामने आएगी। इसमें कुछ खास क्या होगा ये तो अभी मैं आपको फिल्म बनने के पहले नहीं कह पाऊँगा, नहीं तो जो सस्पेंस है पर्दे के पीछे की वो सामने आ जाएगी पहले। फिल्म बनने के बाद मैं चाहूँगा कि सब लोग इसको देखें, और इसके पीछे एक सचमुच बहुत ही अच्छा नयापन है जो आपके दिल को छू जाएगी, इस बात का हम प्रॉमिस करते हैं। इसमें राइटर की बात की जाए तो कितना आपके साथ कंधे से कंधे या आपके विचार देखिए, इस फिल्म के जो राइटर हैं राकेश त्रिपाठी जी, इनके साथ हमारा बहुत ही पुराना और लंबा एसोसिएशन है, हम लोगों ने बहुत पहले भी काफ़ी काम किया है, तो हम दोनों एक दूसरे की इमोशंस को समझते हैं। और जब हम लोगों ने तकरीबन एक साल से इस स्क्रिप्ट पर साथ में बैठकर काम किया है तो ये इंडस्ट्री के जाने माने राइटर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इन्होंने अपना 100% इस कहानी को दिया, जैसे बाकी कहानी में भी देते हैं, इस कहानी में भी इन्होंने दिया है। और स्पेशली इन्होंने जो इमोशंस जो हमें चाहिए था, उस इमोशंस को जितना हम चाहते थे उससे ज़्यादा ही निखार कर हमारे सामने रखा है, और हमारी पूरी कोशिश है इसको बेहतरीन ढंग से पर्दे पर लाया जाए। तो पर्दे की बात हो जाए तो जो पर्दे पे जब आप पर्दे के पीछे और जो पर्दे के सामने जिनको दिखाना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब कहानी पर चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में कास्टिंग भी उस समय दौड़ रही होती है कि इस फिल्म में अगर ये कहानी है तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा फिट बैठेंगे। तो जुग जुग जलन जियो हो ललनवा की जब कहानी हो रही थी तो शुभम जी का नाम सबसे पहले जहन में था, और शुभम जी से जब इस कहानी को सुनाया गया तो शुभम जी को बहुत अच्छी लगी। जब नरेशन के दौरान ही इनकी आँखें दो चार बार भींग गई थी तो मुझे लगा कि ये कहानी सुनते ही इस कहानी में घुस चुके हैं, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर किरदार करने के लिए दूसरा आर्टिस्ट नहीं हो पाएगा, और इसलिए हमने शुभम जी को कहा। और शुभम जी जैसे मैच्योर आर्टिस्ट, एक मंझे हुए कलाकार, इसको इस रोल को जीवंत बना पाएंगे, इसका पूरा जो है मुझे विश्वास भी था, और पर्दे पर वो दिखेगा भी आप लोग। कितना अलग इनको प्रेजेंट करने वाले हैं? देखिए, जो कहानी है इसमें इनका दोनों सेड आपको देखने को मिलेगा, एक है अल्हड़पन का और एक है जिम्मेदार व्यक्ति का। दोनों ही किरदार को इन्होंने इतने अच्छे ढंग से, मतलब अपने अभी तो शुरुआत ही हुई है फिल्म बनने की, लेकिन जिस ढंग से हम लोगों ने नरेट किया, जिस ढंग से इन्होंने कहानी को अपने आप में घुसाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों किरदार के साथ ये पूरी तरह जस्टिफाई कर पाएंगे, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि उनको किरदार में ढाल सकें। जैसे आपने बोला कि शुभम जी दो सेट्स में है, इनके मूंछ की बड़ी तारीफ होती है, तो इसमें क्या? नहीं, मैं इनके फैन को उस क्या कहता उस लगाव से मैं दूर नहीं रखूंगा, एक सेट में उनके फैन को खुशी देते हुए इनकी मूंछ वापस इनके चेहरे पर दिखेगी जी। सबसे बड़ी बात है कि इस कहानी की जो प्रेमिका है इनके लिए, वो एक प्रेम ही प्रेमिका है, एक प्रेमिका के ऊपर ये फिल्म नहीं बेस्ड है, लेकिन प्रेम के ऊपर जरूर बेस्ड है। वो प्रेम बच्चे के प्रति है, नायिका के प्रति भी है, लेकिन बच्चे के प्रति ज़्यादा है। वो सारे इमोशंस आपको बाद में पता चलेंगे, लेकिन हाँ, इसमें लव रोमांस भी भरपूर है, और इमोशंस तो अपनी जगह हैं। आज जो हम जिस गाने का फिल्मांकन कर रहे हैं, जो बैकड्रॉप में आप देख रहे होंगे शूटिंग चल रही है, तो ये आज हम एक गाने की शुरुआत कर रहे हैं। इस गाने में हम दिखा रहे हैं कि पारिवारिक बंधन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। एक परिवार एक दूसरे के साथ समय देकर आत्मीयता के साथ जब बंध कर रहते हैं तो उनके बीच का जो एक समीकरण है वो समाज को कितना पॉजिटिव एक संदेश देता है, उस बात की हमारी पूरी कोशिश है। गाने के थ्रू हम ये बता पाएँ कि पारिवारिक वैल्यू क्या होती है। देखिए, फिल्म के प्रोड्यूसर राजेश एस मिश्रा जी जो फिल्म पहली बार बना रहे हैं, तो उनको भी यही चाहिए था जो हम लोग चाहते थे, कि वो चाहते थे कि एक पारिवारिक कहानी सामने आए, और हमारे ऊपर और शुभम जी के ऊपर भी उनका काफ़ी फेथ था कि हम लोग सब मिलकर एक टीम की तरह एक अच्छा काम कर सकेंगे, और उनका पूरा सहयोग है इस फिल्म को बनाने में। जब उन्होंने जैसा हम लोगों ने कहा वैसा उन्होंने किया है, और उम्मीद है कि समय पर ये फिल्म जल्दी से बनकर आप लोगों के सामने आएगी। इसके लिए प्रोड्यूसर जी को हमारी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं चाहूँगा सबसे पहले राकेश भैया को बोला जाए। राकेश भैया ने किरदार को बहुत अच्छे से संवारा है, उसके बाद तो मैं हूँ ही। राकेश भैया प्लीज। बेसिकली क्या है, दुनिया का हर सिनेमा अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, चीज़ें हर जगह बदल रही है और वो बदलाव बहुत तेज़ी में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में दिख रहा है। आज 2 साल पहले तक अश्लील फिल्में बनाते हैं तो इन लोग मीनिंगलेस फिल्में बनाते हैं, संस्कार ख़त्म हो गए हैं या कल्चर ख़त्म हो गया है, वो सारी चीज़ें भोजपुरी में वापस आ रही है। भोजपुरी अभी इस दौर में गुजर रही है कि अब मेकर बड़े सेंसिटिव हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि हमें अपने कल्चर को पकड़ के चलना है। तो उसी उसी